खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज खबरें काफ़ी सारी हैं, सियासी खबरें भी हैं ज़ाहिर है और दीगर खबरें। जायज़ा लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट को हटाने पर मुत्तफिक। इत्तफाक़ राय, बिलावल और मरियम नवाज ने मुलाकात के दौरान तय पाया। ANP पहले ही हिमायत कर चुकी। सादिक संजरानी गुज़श्त साल PP और PTI की हिमायत से चेयरमैन बने थे। अदम एतमाद के लिए ऐवान के 57 अरकान की हिमायत दरकार। अपोजिशन जमातें आसानी से अददी अक्सरियत साबित कर सकती हैं। तहरीक लाने के लिए 1/4 अरकान को नोटिस जमा कराना पड़ेगा। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। डॉलर को खुली छुट्टी मिलेगी, ना फॉरेन करेंसी अकाउंट मुंजमद होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक, अब ये किसको खुली छुट्टी कहते हैं मुझे नहीं पता। तकरीबन 159 पर 158-159 ये चल रहा है इस वक्त डॉलर का रेट। नौ मौजूद सियासी क़यादत क्या चैलेंज देगी, बजट मंजूर करा लेंगे। फरियाल तालपुर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, सिंध असम्बली के इजलास में शरीक हो सकेंगी। जरताज गुल के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का एतराज़। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुरसी अदालत में इंतकाल कर गए। कर्जों की तहकीकत के लिए कमीशन का ऐलान आज होगा। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में जारहाना हिकमत अमली की हिदायत। शहबाज बिलावल की फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत। FATF इजलास, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय करारदाद चीन तुर्की मलेशिया ने रोक दी। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करें, वज़ीर आज़म की हिदायत। मुजरिम जेल से आकर पार्लियामेंट में खिताब नहीं करते। इत्तेहादी साथ छोड़ दें तो अकेला लड़ूंगा, ये कहते हैं जनाब इमरान खान साहब। रोज़ामा जंग की खबरें हैं ये। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर न जारी होने पर हंगामा। रुपए की कदर ज़्यादा गिरी तो मुदाखलत करेंगे। ज़्यादा कितनी ज़्यादा? संगीन सियासी मौशी आलमी सूरत हाल के बायस हालिया तकर्री मौजू बहस। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट जंग और न्यूज़ में दोनों अखबारात ने मौजूद। नून लीग के 3 रहनुमाओं ने अहम शख्सियत को मुल्की मईशत को दरपेश खतरात से आगाह किया था। उम्र कैद का मतलब 25 साल नहीं, ताहयात कैद है। जल्द तशरीह करेंगे चीफ जस्टिस। आपका कहना था कि अगर ये ताहयात हो जाएगी कत्ल की या किसी भी संगीन जुर्म की सज़ा, तो फिर वो कहते हैं कि जराइम, मैं देखता हूँ कि कौन जराइम करता है। बिल्कुल ठीक बात है। CPAC की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ, चीनी कमांडर की मुलाकात। डॉन की खबरें हमारे सामने। इकॉनमी शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। SBP डिफाइंड ट्रेजरी मेंबर्स एम्बेरस NA स्पीकर। रेफ्यूजीज रिपेट्रिएशन डिस्कस विद ईरान अफगानिस्तान UN PPP PMLN अग्री टू डी सीट सेनेट चेयरमैन। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून और न्यूज़ की खबरें जनाब। डोंट इशू प्रोडक्शन ऑर्डर्स PM टेल्स NA स्पीकर। तो खैर ये सारी खबरें हमारे सामने हैं सियासी नौयत की और जो मुल्की दिलचस्पी की खबरें हुआ करती हैं। लेकिन आज हमारे साथ बदीउज़्ज़मां मौजूद हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, तो इनसे ज़रा क्रिकेट की सूरत हाल पे बात करेंगे। ज़ाहिर आप भी चाह रहे होंगे कि हम खुलकर ज़रा क्रिकेट के मौजू पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बदीउज़्ज़मां। पाकिस्तान ने 5 मैच खेल लिए, 3 हार गया, 1 बारिश की नज़र हो गया, 1 बमुश्किल जीत लिया हमने इंग्लिस्तान के ख़िलाफ़। मेरे ख्याल पता नहीं कैसे जीत लिया। भारत उसके अलावा पाक भारत मार्का सबके सामने है। बड़ी मायूसी देख रहे हैं हम लोगों में, ख़ासतौर पे जो शायकीन हैं बहुत नाराज़ हैं। जो इंग्लैंड में रहने वाले शायकीन हैं उनके तो आपने भी क्लिप्स देखे होंगे, रो रो के बेचारे, उनका हाल ख़राब है। क्या देख रहे हैं इस वक्त? तो बड़ा सख्त दबाव महसूस कर रही होगी पाकिस्तानी टीम भी और मैनेजमेंट को भी करना चाहिए। लेकिन कल की खबरें कुछ ये थीं कि सरफराज ने ड्रेसिंग रूम में कुछ नाराज़गी का इजहार किया टीम मेम्बरान के सामने। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इन बातों से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्या तजिया है? देखिए, जैसा मुल्क में सियासी सूरत हाल है ना, यही इस वक्त जो है ना, जो आपने खबरें पढ़ी, यही सूरत हाल हमारी कौमी टीम में भी चल रही है। और जहाँ तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, वर्ल्ड कप में बहुत सारी जो क्रिकेट टीमें हैं वो अपना 4 साल का प्लान बनाने के बाद इतना बड़ा मेगा इवेंट खेलने जाती हैं। लेकिन हमारी टीम में कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई। हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं रहा कि ये हमारे बैट्समैन हैं, ये हमारे बॉलर्स हैं और ये हमारे जो हैं वो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं जो हमारे इनको
सपोर्ट करेंगे। जितने भी मैच हुए पहले मैच से देख लेंगे, उस वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ हम 105 रन से हार जाते हैं, और गुज़िश्ता रोज़ देखा कि उसी टीम को बांग्लादेश की टीम ने तकरीबन 322 रन का टारगेट 9 ओवर पहले मुकम्मल कर लिया। तो ये होता है टीम स्प्रिट, और उसके अलावा जेलों के खेलना। तो हमारे खिलाड़ी बिल्कुल शुकेब में देखिए, अच्छा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले शुकेब ने अपनी टीम मैनेजमेंट से कहा था कि मैं नंबर 3 पर बैटिंग करना चाहता हूँ, उनको नहीं कराना चाहते थे, उन्होंने कहा मैं करना चाहता हूँ, और जब से उन्होंने नंबर 3 पर बैटिंग की हर मैच में उनके रन है और टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये प्लानिंग होती है, हमारी टीम में बिल्कुल प्लानिंग नहीं। हम सीनियर का रोना रोते हैं, मुझे बताएं हफीज सीनियर किस चीज़ के सीनियर हैं? आज दिन तक कोई मैच जीता हुआ दिखा दें? शुएब मलिक सीनियर कहाँ के सीनियर हैं, मुझे कुछ मैच ऐसा जिता दें। अरे सीनियर तो उनको कहते हैं जैसे विराट कोहली है, हर मैच जिताता है। रोहित शर्मा है जो मैच को लेकर चलता है, उनका एक नया प्लेयर आया शिखर धवन जो है अपना इनफिट हुए, राहुल आया उसने आते ही रन्स कर दिए। तो भाई जब हमने ग्राउंड में देखा तो सरफराज ऐसे लग रहा था जैसे हमने कोई गली मोहल्ले की टीम, बिल्कुल गली मोहल्ले की टीम खेल रही है, और वो ऐसे रिलैक्स होकर आए, हमें बिल्कुल जो है ऐसा लग रहा था कि मैच नहीं बल्कि मिस मैच हुआ है जो हमने खेला ही। चलिए अच्छा दिलचस्प आपने कहा रिमार्क, ब्रेक लेते हैं वापस आएंगे, बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे बात हमें करनी है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। बदीउज़्ज़मा के मुताबिक ये मैच नहीं बल्कि मिस मैच था। आगे बात करते हैं बदीउज़्ज़मा, मैच में तो जो हुआ सबने देख ही लिया, लेकिन मेरा बाप से सवाल ये है कि ये वक्ती तौर पे बुखार चढ़ेगा सब पे कि इसको हटा दो, उसको ले आओ और ये सब कुछ कर दो, या वाकई कोई बुनियादी तब्दीलियों की बात होगी? मैं और आप ये बात मेरा ख्याल है जब हम बैठे थे लास्ट टाइम तो हम ये कर चुके हैं कि आप लड़का कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, PSL से। डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल तेले ने जा चुकी है, कोई बड़ा खिलाड़ी उसमें शामिल होना ही नहीं चाहता। जो किसी में कोई टैलेंट नज़र भी आता है तो चीफ सेलेक्टर साहब उस दौरान मेरा ख्याल है तबलीगी जमात के साथ होते होंगे या अपने मदरसे और स्कूल को देखभाल कर रहे होते हैं। इंग्लैंड में होते हैं, सुना है उन्होंने वहाँ पे किराए पे मकान लिया हुआ है ना, बिल्कुल उनके भाई का अपना घर है और सब कुछ है वहाँ पर। देखिए आप कह रही है ना कि टीम चेंज होएगी, कुछ नहीं होता। हमेशा से हमारे जब से इस तरह की सिचुएशन हुई है तो हमेशा नज़ला कप्तान पे गिरा है, चाहे वो वकार यूनुस हो, चाहे वो राशिद लतीफ़ हो, चाहे वो जितने भी हमारे बड़े कप्तान गुजरे वसीम अकरम हो, जितने भी मिसबाह की शाहिद आफरीदी ऐसे यूनुस खान, तो सब जो है टोटल जो है तनकीद का निशाना बनाकर कप्तान को बाहर कर दिया गया, बाकी टीम वही रही है। तो अब जो है आपका जहाँ तक आपने बात की कि हमारा जो क्राइटेरिया बन गया सिर्फ और सिर्फ PSL, मुझे बताएं कि भारत में होती है IPL इंडियन प्रीमियर लीग में, मुझे ये बताएं कि रोहित शर्मा चौथी बार जो है उसकी टीम जीती है, मुझे एक ये बता दें कि उन्होंने वहाँ का भी कप्तान है। अब नेक्स्ट पहले धोनी कप्तान थे, उन्होंने विराट कोहली को तैयार किया, विराट कोहली कप्तान है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रोहित शर्मा को जो है तैयार कर रहे हैं। उनकी टीम में मुझे बताएं कि प्रीमियर लीग से खिलाड़ी क्यों नहीं आते? बांग्लादेश लीग होती है, उनकी टीम में प्रीमियर लीग से खिलाड़ी क्यों नहीं आते? उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त है, हमें तो बांग्लादेश से सबक लेने चाहिए कि उन्होंने हमारे बाद क्रिकेट शुरू की और हमसे क्रिकेट सीखी, अफगान ने हमसे क्रिकेट सीखी, हमारे प्लेयर ने जाके वहाँ उनको क्रिकेट सिखाई खिलाई और वो हमसे ऊपर आ गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब तक PSL में एक खिलाड़ी ने 4 ओवर कराए वो पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप खेलने आ गया, ये हमारा क्राइटेरिया है। एक PSL में एक लड़के ने 10 आउट किए वो हमारी टीम में जो है वो मुस्तकिल आ गया। तो ये बताएं कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमारी टीम कहाँ खड़ी है? अब T20 क्रिकेट तो है नहीं, 50 ओवर और T20 क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फर्क है। अब ये नहीं कि वहाँ जाए और आपके चौके छक्के लगे, शायकीन भी खुश हो गए और आपने मैच जिता दिया, खुश हो जाते हैं, लेकिन असल इम्तहान जो है वो इस क्रिकेट का है। तो मेरे ख्याल में अब जो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितना हमारी जो अब कंडीशन आ गई है कि 4 मैच हैं, चारों जीतने हैं, और सबसे बड़ी बात इस वक्त रन रेट के हिसाब से भी हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, नीचे माइनस में जा रहा है, -1.933 हम अफगान से भी नीचे हैं। तो हम कहाँ जीतेंगे, और जीतेंगे तो हम रन रेट हमारा क्या होगा, और हम दुआ कर रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया हारे, हम दुआ कर रहे होंगे इंडिया हारे, हम दुआ कर रहे होंगे न्यूजीलैंड, तो ये चीज़ें अब बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। हर वक्त दुआएं तो काम नहीं आती, नहीं आती बिल्कुल, अपना भी कुछ होता है वो काम करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में वजह हमें जो है ना मुस्तकिल सोचना होगा। चीफ सेलेक्टर इंग्लैंड में, MD इंग्लैंड में,
चेयरमैन इंग्लैंड में, जाकिर खान इंग्लैंड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम, ये जो है सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे, लाखों रुपए के खर्चे हो रहे हैं। चीफ सेलेक्टर का काम होता है 15 रुकनी, आपने टीम दे दी, आप किसी जगह मुदाखलत नहीं। मैंने तो इंजमाम को जो लोकल आपकी सिलेक्शन कमेटियाँ होती हैं उनसे कोई, मैंने अखबारात में तो कभी नहीं पढ़ा कि इनकी नेशनल सतह पर कोई मीटिंग्स हो रही हों, कोई कैंप्स ऐसे हो रहे हों जिसमें चीफ सेलेक्टर साहब नज़र आते हों, जाते आते मुझे नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो पता नहीं, आप मुझे बताइएगा। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, आज क्रिकेट पे ही बात करूंगा। बात दरअसल ये है कि हर इदारा इस तरह का जो है एक माफिया बन चुका है। हाँ। नोट कमाने और पैसे कमाने का, आप बताएं जो हमारे लड़के रात को नाइट क्लबों में जाएंगे, हाँ। हल्ला गुल्ला करेंगे, आप बाखुदा बताइए जो 4-5 बजे सुबह सोएंगे तो वो क्रिकेट का मैच के और किसी काम में भी फिट नहीं हो सकते। इनका तो एक ही, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैच जीतने का, एक ही है, प्रैक्टिस मैन मैक परफेक्ट, ये प्रैक्टिस नहीं करते। और जब प्रैक्टिस ना करे तो दूर से एक हैंटर लेके बंदा खड़ा हो जाए, और जहाँ प्रैक्टिस ना करे, जैसे सर्कस के शेर को मारते हैं ना, अच्छा। वैसे इनकी छितरौल होनी चाहिए, इन्होंने मुल्क को कौम का नाम बदनाम करते, इनको सजा देनी चाहिए। चले जी, बहुत शुक्रिया आपके जज्बात सर आंखों पर, लेकिन बहरहाल इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बदी जो मैं आपसे कह रही हूँ, बात कर रही हूँ कि सिलेक्शन कमेटियाँ हो गई या पूरा बोर्ड का ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया, किसी की किसी से जवाबदही नहीं है। मानी साहब ने बहुत बड़े बड़े काम यकीनन किए होंगे क्रिकेट की ज़िंदगी में, लेकिन अब वो 70-75 साल के बाबा जी हैं, वो क्या नया खून तलाश करेंगे, उनकी क्या दिलचस्पी है? मुझे ये बताएं उनकी दिलचस्पी क्या है। जब से वो आए वो इंग्लैंड के दौरों पर है, MD हमने इंग्लैंड से रखा, 22 लाख रुपये वो उनके सिर्फ नेट जो है वो सैलरी लेते हैं, TADA और ये जो आपको अलाउंसेज हैं वो अलग है। करते क्या हैं? जब से वो आए मेरे ख्याल में 4 दिन वो पाकिस्तान में रही, टोटल वो इंग्लैंड में, अब भी वो इंग्लैंड में, और पता चला जी वहाँ पर अब कहा तो ये जा रहा है जी कि वो बोर्ड से जो ने $200 योमिया ले रहे हैं, हालांकि उनको लेने $600 चाहिए, तो ये तो कहने की बात होती है, सब बोर्ड का पैसा जा रहा है, इनका कुछ जाता नहीं है। अब जहाँ तक आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, देखें लाहौर में ट्रायल हो रहे हों, कराची में ट्रायल हो रहे हों, किसी और शहर में ट्रायल हो रहे हों, हमें चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर कोई कहीं नजर नहीं, एक तौसीफ अहमद को मैं देखता हूँ, हाँ। चाहे वो मुझे कराची में नजर आए, चाहे किसी जगह नजर आए, लेकिन उनका नाम और निशान सिर्फ एक डमी होता है ना, क्योंकि टीम सेलेक्ट करनी है इंजमाम उलक ने, 15 लाख से ज्यादा वो बोर्ड से तनख्वाह लेते हैं सिर्फ एक सीरीज की टीम सेलेक्ट करने के, ठीक है। अब वो टीम आपने सेलेक्ट कर दी, आपका क्या काम है कि आप सिलेक्शन वहाँ जो टीम मैनेजमेंट है उसके काम में मुदाखलत करें? कोचेज नाराज हैं, सिफारिश लड़वाएं तो हम दोनों चलते हैं ना वहाँ सिलेक्शन कमेटी में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, ठीक कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फरमाइए जी। जी बात कीजिए। अरे लाइन कट गई, और बड़ी खुशी भी आपने हमारी खैरियत पूछ के फोन बंद कर दिया। लेकिन बदी क्रिकेट में जिस तरह हमारे इम्तियाज भाई जो थे नाराज हो रहे थे कि पैसा है, बहुत पैसा है। अच्छा जी, सवाल से पहले ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, वापस आते हैं प्रोग्राम, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, पाकिस्तान जिस तरह से, अब मैंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में भी ये लिखा था कि अब जो है वो इम्कानात क्रिकेट शुरू होगी, यानी अब हम ये सोचेंगे कि इसके साथ वो हार जाए और उसके साथ वो जीत जाए और उसके बाद उसकी मतलब तबाही हो जाए, नीस्तो नाबूद हो जाए, तो शायद हम कहीं पहुँच पाएँ। इस तरह तो कुछ भी नहीं होता। बदी ये मुझे बताइएगा, अभी हम जो बात कर रहे थे सिलेक्शन, यार लाइव में इस तरह कहाँ होता है?
शिराज जी को शानदार कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन मिसबाह उल हक कहते हैं, पाकिस्तान टीम ज़हनी तौर पर कमज़ोर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी मुकम्मल। MD ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए। मेरे तो ख्याल में MD साहब को ख़ुद भी इस्तीफ़ा की तैयारी कर लेनी चाहिए। बदी अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि हम अब पहले तो दुआएं करते हैं, अब हम बद दुआएं दे रहे हैं कि ये हार जाए वो हार जाए और उसको कुछ हो जाए तो पता नहीं हमारा क्या चांस बनेगा। ऐसे तो नहीं चलती चीज़ें। आप बताइए कि वही जो मैंने पहले आपसे पूछा था, ये सब वक्ती बुखार होगा या वाकई को संजीदगी आएगी? दूसरे तनकीद बनाए का निशाना बनाया जा रहा है क्रिकेट। इस वक्त जो हिकमत हमली हमने देखी थी सरफराज की, इमरान खान साहब ने एन मैच से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, उसने उन्होंने रेलू कट्टों का जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा कि पहले बैटिंग ना की जाए। ये भी हमने देखा कि बात नहीं मानी गई, बात माननी चाहिए थी नहीं माननी चाहिए थी, यानी मैच प्लान या गेम प्लान अभी तक टूर्नामेंट में नज़र ही नहीं आ रहा। देखिए उन्होंने ये कहा था कि आप टॉस जीतें तो बैटिंग करें, क्योंकि फिजा जितना भी देखें ना कि हम वर्ल्ड कप के 7 मैच हार गए, तो इसमें जो 6 मैच हम पहले लगातार हारे हैं उसमें से 5 मैच ऐसे थे जो हम चेस नहीं कर सके। जब भी हमें टारगेट मिला हम जो है वो इंडिया के खिलाफ चेस नहीं किया। और फिनिशिंग जिसे आप कहते हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ देखिए मैच फिनिशिंग, देखिए शुरू में तो आप बैटिंग कर लेंगे तो आपके पास दबाव नहीं हो सकता है, आप 250-300 रन कर लें, लेकिन जब आप चेस पे आते हैं तो आपके पास जितना भी स्कोर हो आपके हाथ पाँव जो है फूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी एकमत अमली नहीं बनाई जाती। टीम मैनेजमेंट हमारी जो बैठी हुई है, अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, हेड कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, फील्डिंग कोच है, हर किस्म का कोच हमने वहाँ रखा हुआ है। हमारी फील्डिंग का हाल देख लें क्या है, बॉलिंग कोच है हमारी बॉलिंग का हाल देख लें क्या है, बैटिंग कोच है हमारी बैटिंग का हाल देख लें। तो कहने का मकसद यह है कि जब मैनेजमेंट वहाँ होती है, लाखों रुपए आप डॉलर में पैसे ले रहे होते हैं, तो आपका काम है भाई सिखाना उनको। आपका जब बाउंड्री से टीम अंदर चली आती है आपको एक प्लान देना होता है कि आपने 10 ओवर ऐसे खेलने, 15 ओवर ऐसे खेलने, उसके बाद आपने एकमत अमली बनाना होती है। लेकिन हमारे अच्छा, फिर वहाब का बॉलिंग एक्शन उस दिन जो है वो मतलब अजीबो गरीब हो गया, उनके कदम डगमगाने लगे, वो पिच के ऊपर रन ओवर करने लगे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। मैडम आपके जो एक्सपर्ट बैठे हैं बदी भाई, उनको भी मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम जी। आज मुझे सिर्फ 2-3 बातें आपसे कहनी है जो हम वर्ल्ड कप का इंडिया का मैच आ रहे हैं जी, कहिए सिलसिले में। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि हमारी टीम में जो इतना प्रोफेशनल के नाम पर ये कोच डाल दिए गए, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, मेन कोच, कुछ मिला हमें? नहीं, कुछ भी नहीं। नंबर 2, हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है इस कौम का, सबसे ज्यादा मोहब्बे वतन जावेद मियांदाद, हाँ। जिसने वो वर्ल्ड कप जीता, अगर इमरान खान इख्तदार में आ गए थे तो उनको सबसे पहले अपने वाइस कप्तान को इंगेज करना था और साथ में बैठकर उनको स्ट्रेटेजी प्लान करनी थी कि मियांदाद तो मेरे नाइट थे, अब इसको तुमने बनाना है। ठीक है, उस शख्स का कहीं जिक्र ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी, हमारे यहाँ क्या ये अलमिया नहीं है कि जब जब कराची का कप्तान खड़ा हुआ उसके खिलाफ एक साजिश शुरू हो गई। जावेद मियांदाद जब कप्तान थे उस वक्त भी यही हुआ था, एक रेबिलियन शुरू हुआ और सारे एक हो गए थे। आज सरफराज खड़ा हुआ तो कप्तान जो है फिर उसके खिलाफ। अच्छा जनाब, मैं जरा डिसएग्री करूंगी, बहुत शुक्रिया। कप्तान अगर खड़ा हुआ है तो वो कप्तान खड़ा होके विकेट के पीछे जमाइयां नहीं लेता। दूसरी बात ये कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है जनाब अली, उसकी तो बेचारे की अपनी जो विकेटिंग यानी जो कीपिंग स्किल्स हैं वो भी हमें डामाडोल नजर आ रहे हैं। तो ये कराची और पंजाब वाली और दीगर की बहस में मैं नहीं जाती, लेकिन हाँ पूरी जो टीम है उसका एतमाद जरा हमें हिलता हुआ डोलता हुआ नजर आता है, क्या कहेंगे? देखिए कप्तान पे तो हर कोई तनकीद कर रहा है। देखिए भारत के जो बड़े साबिक खिलाड़ी हैं कभी नहीं बोलते, सचिन तेंदुलकर ने खास तौर पर सरफराज अहमद को कहा कि वो जब ग्राउंड में थे तो लग ही नहीं रहा था कि वो कप्तानी कर रहे हैं। शुएब अख्तर ने ऐसा कहा, बहुत सारे साबिक क्रिकेटर ने ऐसा कहा। देखिए कितना फर्क था विराट कोहली और हमारे कप्तान में, वो कितना रिलैक्स था, वो एक आम मैच समझ के खेल रहा था और हम ऐसे लगा था कि क्योंकि हमने पहले लोगों को कह दिया था कि इंडिया से मैच जीतो जो जिताएगा वो हीरो बन जाएगा, जबकि इंडियन ने ये कहा था कि हम तुम 11 के 11 मैच विनर हो, जो जिताएगा हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट, हर खिलाड़ी हमारा इंपॉर्टेंट है। और एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली जब वहाँ थे उन्होंने कहा जी मेरे लिए अगर कोई 30 रन भी बनाता है 20 रन भी बनाता है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्लेयर है, क्योंकि टीम के जो जीत है उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो यही है, जब हम टारगेट देखते हैं 300 रन का हमारे हाथ पाओ वैसे ही भूल जाते हैं। तो ये कप्तान की जो बात ये कर रहे हैं कि फलानी के साथ ऐसा हो, फलानी के कप्तान खुद अच्छा हो, रन्स कर रहा हो,
विकेट कीपिंग अच्छी कर रहा हो, कैच ना छोड़े, ज़बरदस्त कर रहा हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कप्तान को हटाया जाए। कप्तान को उसी सूरत में हटाया जाता है जब वो टीम को साथ दे लेके नहीं चल रहा, अपनी परफॉर्मेंस उसकी सही नहीं हो रही, तो जब ही होता है। आज मैं कहता हूँ कि टीम चेंज होती है, क्योंकि अब तो ये जो जितने भी मैनेजमेंट है इनके टाइम पूरा हो जाएगा और इसके बाद आप देखें क्या तब्दीलियां आती हैं, जैसे एमडी ने कहा, तो मेरे ख्याल में तब्दील तो उनको खुद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि और यहाँ तक क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो खिलाड़ी, आप कब तक मिसबाह उल हक की खिदमत क्यों नहीं ले रहे, आप यूनुस खान को क्यों नहीं ला रहे, वाकई आप जावेद निजात को क्यों नहीं ला रहे, ऐसे क्रिकेटर्स को लाएं, शोएब अख्तर है आपके पास, वसीम अकरम है, कि भाई इनको बोल दें आपने क्रिकेट खेली है, हमें क्रिकेट चाहिए, आपने बॉलर तैयार करने, आपने बैट्समैन तैयार करने, आपने जिनको क्रिकेट का पता ही नहीं उनको आपने क्रिकेट में रखा। इसमें एक और भी बात आ रही है बीच में कि जी सेठी साहब अगर होते तो शायद वो आसमान से तारे तोड़ लाने में कामयाब हो जाते, लेकिन उस पर बात करते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फिजा कैसी यही आवाज कर रहा हूँ। ठीक ठाक, आपके मौजूद मेहमान को भी सलाम हो। देखें बात ये है कि इनकी बात जबरदस्त मुझे लगी। देखें जो आदमी अगर खेलने वाला होगा ना, परफॉर्मर होगा, वो सारी चीजें सारी साजिशें खत्म कर देता है। और ये मिसाल मौजूद है, यही कराची का लड़का था ना, इसने परफॉर्मेंस दी, लोगों ने इसको आसमान पे उठाया। बात ये है कि जब आप अपनी, हम लोग का प्रॉब्लम ये, हम लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि या तो इतनी जमीन आसमान की खराबे मिला देते हैं जब वो जीतते हैं, और जब वो हारते हैं तो उनको इतना जलील करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कौम से है कि भाई ये आपके प्लेयर्स हैं, इनको जिल्लत के गड़े में डाले, दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। ठीक है, ठीक है, अगर परफॉर्मेंस करें, परफॉर्मेंस पर डिस्कस करें। अब ये फायदा कुछ नहीं कि साजिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, बेवकूफी की बातें। और फिजा इस पे अब सियासत शुरू होगी, कुछ नहीं होगा। एक एक बंदे को एवलेट करें, एक एक बंदे को देखें उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें। और जो टेक्निकलिटीज है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते हैं, वो इस पे तबसरा करें, बजाय इसके लोग आके सियासत करें और लोगों को जलील करते फिरें। हमें हमें गलतियों से सीखना है, हमें इससे, हम ये नहीं कह सकते कि हम इसमें सियासत शुरू कर दें और वही जो टॉक शोज में होता है वही होता है। तो खुदा के लिए अपने प्लेयरों को जलील नहीं करें, उनकी परफॉर्मेंस पे जरूर बात करें। ये जिल्लत आपकी कौम की जिल्लत हो जाती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बिल्कुल ये बात हम मेरे ख्याल रियलाइज़ करते हुए यही बात करें कि उनसे हमारी एक ही डिमांड है कि जिस काम के लिए वो गए हैं ना, वो काम कर लें बस। अच्छा बदी, जिस तरह से क्रिकेट के ऊपर फोकस है पूरी कौम का, जज्बात भी उससे मुंसलिक है, पैसा भी क्रिकेट में हम देखते हैं, उसकी वजह से हमारे तमाम दूसरे खेल जिसमें स्क्वाश भी है, फुटबॉल के लिए तो हम क्वालिफाइंग राउंड तक भी नहीं पहुँच पाए, आपको पता है। अच्छा फिर इसके अलावा आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा लें, नेशनल क्रिकेट, नेशनल आपका गेम जो है हॉकी, उसका आप हाल देख लें, तो वो सारे गेम्स एक तरफ हो चुके हैं, उन पे ना कोई पैसा लगाने को तैयार है, ना खिलाड़ियों का टैलेंट ढूंढने पे तैयार है, और सारी तवज्जो क्रिकेट पर। अभी सूरत हाल ये है फिज़ा, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी फेडरेशन हैं जिनको जो सालाना ग्रांट मिलती है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से, वो नहीं मिली, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने जो खेलने जाना था वो नहीं जा सके, चाहे रेसलिंग हो, चाहे वो अपना दूसरी खेल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें अभी इनाम बढ़ता, वो भी जो है अपने कहीं से फ़ंड जमा करके वहाँ जा पर जाकर उस लड़ा, चीन में उसने जाके खेलना था, वहाँ भी वो नहीं जाके खेल सका। तो सबसे बड़ी बात है हम टोटल हमारा फोकस जो है क्रिकेट पर है, लेकिन क्रिकेट पर फोकस का मकसद ये है कि टीम को फिर आपने उठाना भी है। अब ये है ना, देखें जहाँ तक आपने पहले बात की कि हमने खेलने के लिए भेजा, आप खेलें, तो वहाँ आप इंडिया की टीम जब एक दिन पहले मुकम्मल आपके खिलाफ प्लान बना रही थी कि हमने ये करना है, ये करना है और ये करना है, और आपके जो प्लेयर थे वो तकरीबन 10 घंटे पहले सैर सपाटों में लगे हुए थे, कोई कैफ़े में बैठा था, कोई डिनर कर रहा था, कोई कहाँ जा रहा था, और कोई दावतों में मशगूल था, भाई ऐसे में आपका वहाँ का टीम मैनेजर क्या कर रहा था? 11 बजे का टाइम है कर्फ्यू टाइम, होटल पे खिलाड़ी को मौजूद होना चाहिए, वो भी ज्यादा देर से, मेरे ज्यादा 11 बजे के वहाँ के, बिल्कुल, लेकिन इन्होंने 11 बजे का वहाँ टाइम रखा कि चले 11 बजे वो आप होटल, लेकिन कोई लड़का वहाँ मौजूद नहीं। 6 से 7 लड़के, मैं आपको बताऊँ कि उस दिन इंडोर प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो थे वो इंडोर प्रैक्टिस को नहीं गए बल्कि सैर करने चले गए। तो ये मुझे बताएं। और वहाँ एक और बात मैं बताऊँ, 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हमेशा उनको रोटी का नाम भी दिया जाता है, तो वहाँ पर वो शर्तें लगाकर देसी खाने खा रहे थे, तुम कितनी रोटियाँ खाओगे, तुम कितनी बोटियाँ खाओगे, ये हो रही थी। तो भाई ये देखें, अब जब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है, इतनी उम्मीदें वहां पर, जो आज देखें मैनचेस्टर में जो लोग बैठे हुए थे वो कितना रो रहे थे, हम तो पाकिस्तानी कौम का क्या हाल होगा, और यहाँ में जिस से मैं गए, हम क्योंकि कवर कर रहे थे, बाहर स्क्रीनों पे भी जा रहे थे, तो वहाँ लोग जो है ना सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हो रहा है। और हमें 122 तक लग रहा था कि सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा, उसके बाद तो भाई 29 तक 5 विकेटें। अच्छा देखिए ना, भारत ने किसी मौके पर आपको महसूस नहीं होने दिया कि हम हारेंगे,
उनका बॉडी लैंग्वेज उनके तमाम खिलाड़ियों का ऐसा था कि वो जीत के लिए गए, और हम तो जैसे ही ग्राउंड में दाखिल हुआ हमारी आत्मा भूल गए। शुरू में 32 रन पे हमने रोहित शर्मा का जो है रनआउट छोड़ा, वो भी कप्तान ने छोड़ा। तो भाई मसला ये है कि जब तक आपकी परफॉर्म, अब उसके बाद हम लगा देते हैं जी ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कप्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, इसका ग्रुप है, इसका ग्रुप है, इसका ग्रुप है। भाई ये ग्रुप जो है, भले आप सियासत करें, भले खिलाड़ी हो, मैंने भी वहाब रहा उसके हवाले से आपसे बात की थी, मकसद उनकी ज़ात को तनकीद बनाना नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अब तो 1.5-2 महीने से हम इंग्लैंड में मौजूद हैं, हमने सीरीज के लिए इंग्लैंड में, राइट, अभी तक आपको ग्राउंड की साख्त का या आपको ये नहीं पता चल पाया कि जो लोकल कंडीशंस हैं वो कितनी फेवरेबल हैं आपके लिए? वही तो, बाकी टीमें बाद में गई हैं, बाकी टीमें बाद में गई हैं, हम तो पहले 1-1.5 महीने पहले जाके सीरीज़ खेलें, हमें तो वहाँ पर एडजस्ट होना चाहिए कि कौन सी ग्राउंड, यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ का वेदर कैसा होगा, यहाँ की कंडीशन, टॉस जीतेंगे और यहाँ पे अगर शॉट बनाएंगे तो कितनी देर में चौके पे पहुंचेगा, छक्के पे पहुंचेगा, यही है ना। तो हमारे यहाँ बिल्कुल प्लानिंग नहीं दी गई, हम वहाँ जाकर प्रैक्टिस तो करते रहे लेकिन हमें सिखाने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। इंजमाम लग गए तो वहाँ पर मैंने सुनने में ये आया कि हेड कोच और दूसरे कोच नाराज थे कि ये हमारी, अच्छा एक और बात कि फाइनल में मेरे जो जराए कहते हैं कि जराए के मुताबिक कप्तान चाह रहे थे कि मैं आसिफ और असनैन को खिलाऊं, अच्छा ठीक है, लेकिन इमाद को डाल दिया गया और दूसरा जो है शदाब को डाल दिया गया। तो इस तरह की भी बातें हुई हैं कि आप जब टीम एक बड़ी टीम के खिलाफ जा रहे हैं तो आप मुतफिक ही नहीं है कि कौन से खिलाड़ी को खिलाना है, कौन से खिलाड़ी को नहीं खिलाना। आप मुझे बताएं, आप शुएब मलिक को अगले मैचेस में बाहर करते हैं आप किसको खिलाएंगे? आपके पास से बचा वही आर एस सुहेल है, उसी को खिलाएंगे। आप हसन अली को बाहर करते हैं तो फिर आप कुर्बानी का बकरा बना देंगे। असनैन जो नया लड़का गया उसने अगर रन दे दिया तो बोलेंगे भाई अब तुम्हारा कैरियर खत्म। तो यही हमारे साथ होता हुआ है। तो मेरे ख्याल में अब हम पहले लोग कहते हैं दुआ करते थे अल्लाह हमारी टीम पहुंचे, हम हमारी टीम दुआ कर रही होगी कि अल्लाह करे वो टीम हार जाए और हम जीत जाए। तो ये अब हम दुआएं नहीं बल्कि लोगों के लिए बदुआएं भी कर रहे हैं। तो ये है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन यही होना चाहिए कि अब अगर आपने इज्जत इसी में कि अगले जो मैचेस में कम अज़ कम आप ये कर लेंगे कि 4 मैच जीत जाते हैं, उसके बाद देखें बहुत सारे इससे पहले भी हमारे साथ 92 में भी ऐसा हो चुका कि बारिश हुई 1 पॉइंट वो हुआ, वो मौजज़ात हो सकते हैं लेकिन आप 4 मैच पहले जीते तो सही। नहीं नहीं मगर बंदी क्या हर दफ़ा मौजों का इंतजार होगा? वो ये तो हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि भाई ये पाकिस्तानी कौम है, कोई भी दुआ काम आ जाएगी। तो आप 4 मैच कम अज़ कम आपको 4 मैच जीतने चाहिए ताकि वो जो शायकीन आपसे नाराज़ हैं कम अज़ कम उनके दिल जो टूटे हैं वो तो आपको ये कह दें वाकई यार गलतियां हो गई जिससे सीखना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि टीम में चेंजेस होनी चाहिए। अगर हम वर्ल्ड कप हारते हैं 4 साल के बाद एक वर्ल्ड कप आता है और पूरी दुनिया हर टीम उसको जीतना चाहती है। भाई इंग्लैंड के खिलाफ भी तो आप जीते ना, आपने 300 से ऊपर का टारगेट अचीव किया ना। देखें आप जीते हाँ। लेकिन उस मैच में भी देखें कि इंग्लैंड आप जरूर जीते हैं, लेकिन 14 रन ठीक है, हमने आखिरी अगर हम चाहते हैं तो उसको और ज्यादा रन से जीत सकते थे, लेकिन बाबर आजम ने उसमें भी आखिरी ओवर्स में कितने रन दिए, इससे हमारा एवरेज बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन हम मैच नहीं खेले, अगर अगले मैच में हमारे एक बाद में बारिश हो जाती है, हम रन से भी गए 1 पॉइंट से भी गए, फिर हम कहां खड़े? सही ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या कहेंगे? एक बात करनी थी, टेक्निकल बात है थोड़ी सी, फरमाइए। आपको थोड़ी सी हटके लगेगी, एक जमाने में पाकिस्तान की आखिरी टीम 80 की दहाई 70-80 की दहाई में दुनिया के बेहतरीन 11 खिलाड़ी पर मुश्तमिल होती थी। बिल्कुल सही। उनके सामने अगर हॉलैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम, जर्मनी की टीम, तमाम टीम बच्चे की जगह पे अपने बेस्ट 11 होती थी, लेकिन वो पाकिस्तान की टीम के साथ जब खेलती थी तो वह छाट जाती थी। उसकी वजह क्या होती थी, मैं तमाम एक्सपर्ट से पूछता हूँ। उसकी वजह लाजमी बात ये थी कि उनकी टीम अपने मुल्क की बेस्ट 11 थी, लेकिन पाकिस्तान की जो थी वो वर्ल्ड बेस्ट 11 थी। इंडिया की टीम एक ऐसी टीम है जो इस सब तीनों फॉर्मेट में टॉप 2 पोजिशन पर है। इंडिया की टीम जो है वनडे में इस वक्त नंबर 1 है, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 है, वनडे में नंबर 2 है और T20 में भी नंबर 2 है। अगर एक ऐसी टीम से आप खेलते हैं तो 90% इम्कान यही होते हैं कि आप मैच हारेंगे। तो ऐसा कौन सा तमाशा हो गया कि हमने अपने प्रमुख हीरोज को गालियां देनी शुरू कर दी? ये गालियां हॉलैंड, जब पाकिस्तान की हॉकी टीम मैच जीती थी तो हॉलैंड के खिलाड़ी की भी पड़ती थी, जर्मनी के खिलाड़ी की भी पड़ती थी। 3-3 दिन पहले के जो अपने चेहरे की कैफे की तस्वीर दिखाते, एक आदमी अपने बीवी और बच्चे के साथ गया है, ठीक है ना, एक आदमी अपने बीवी और बच्चे के साथ गया, आपने आपके मुल्क के लिए फतवा समेत लिए। नहीं सर, बीवी बच्चों के साथ वो छुट्टियां लेके जरूर जाए, गेम के दौरान बीवी बच्चों के साथ अगर जा भी रहा है तो जिस काम के लिए जा रहा है वो काम करे ना। हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनका हक है, वो पूरे खानदान को ले जाए, खाला के बच्चे, नाना के पोते पोतियां सब,
लेकिन जो काम करना है उन्होंने वो काम करें, हम ये बात कर रहे हैं। ऑफिशियल टूर पे होते हैं आप जरूर जाएं, लेकिन आप बोर्ड से इजाजत लेते हैं, आप मैनेजर से इजाजत लेते हैं, आपकी अगर वहाँ फैमिली है आप दावत पे भी जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक सबसे बड़ी बात है, आप पहले भी जा रहे होंगे किसी को नहीं पता, आखिर अब क्यों पता चला, इस वजह से पता चला कि आपको अगले दिन मैच खेलना है एक बड़ी टीम से, और उस टीम से खेलना है कि जिससे कौम को उस टीम से हार बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ आपको फैमिली को, क्योंकि आप ऑफिशियल टूर पे, आप अपने खर्चे पे नहीं गए, आप वेकेशन पे नहीं है, छुट्टियों पे नहीं है, वहाब रियाज का पूरा खानदान जो है वहीं रहता है, ठीक है, वो रोज़ाना किसी न किसी की दावत कर रहा होता है, क्योंकि उसको पूरा खानदान वहाँ रहता है, वो कभी शुएब मलिक की दावत कर रहा होता है, कभी हफीज की दावत कर रहा होता है, तो ये दावतें जो है ना, दावतें ज़रूर करें भाई, लेकिन अगर ये इंडिया से आप जीत जाते हैं उसके बाद दावत करते हैं तो इतनी ज़बरदस्त आपकी खबरें चल रही होती हैं, यार जीतने के बाद खिलाड़ियों ने क्या अलग अलग किया, दावतें खाई, तो ये होता आप जी मैच से पहले दावतें खा रहे हैं, अगले दिन मैच हार रहे हैं, तो फिर तो तनकीद का निशाना होगा, नहीं फिजिकल फिटनेस का लेवल देखने ना, और दूसरा आपकी डाइटिंग होती है भाई, आपको बताया जाता है, आपको फिजियो जो साथ होता है बताता है कि आपने ये खाना ये नहीं खाना, हम तो वहाँ पर मैं वही कम बारबेक्यू खा रहे हैं, तो फिर निहारियां चल रही हैं, बिल्कुल ना शर्तें लगा के खाने खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, आप पाकिस्तान को अगर पूरी जो 23 करोड़ की आवाम है उसमें से 15 लड़के मुंतखब हुए, कोई आम गली मोहल्ले के लड़के तो नहीं, तो इसलिए मेरे ख्याल में आप जरूर, और पता नहीं उनसे कितना ज्यादा बेहतर टैलेंट होगा जो बिल्कुल है, बिल्कुल है, कभी बन ही नहीं पाता, बिल्कुल है, यहाँ पर्ची सिस्टम भी ऐसे है, इमाम की मिसाल आपके सामने है, बहुत से हेड कोच के पसंदीदा है, बहुत सारे लोग जो है वो MD के पसंदीदा है, तो ये पसंद नापसंद को हटा दें, आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो दें, यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलें, PSL को पीछे हटा दें, कि भाई PSL जो खेलेगा T20 क्रिकेट खेलेगा, जो डोमेस्टिक खेलेगा यहाँ पर परफॉर्म करेगा वो 50 ओवर की क्रिकेट खेलेगा, वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, आप टीम ऐसा स्ट्रक्चर तो बनाएं, क्यों बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, इसी वजह से कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है मजबूत किया, इंडिया ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत किया, अब अफगान है वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जा रहा है, तो ये लीगों से टीमें नहीं बनती, लीगों से ये होता है कि भाई आप पैसा तो कमा लेते हैं, आपके खिलाड़ी को हर जगह लीग पे मिल जाती है, लेकिन आपकी क्रिकेट कभी डेवलपमेंट नहीं होगी, खुदा ना ऐसा ना हो जाए कि खुदा ना खासा इस तरह से हम जा रहे हो और हमारा हाल कहीं बुरा ना हो जाए, नहीं दूसरी बात यह कि जब ये लीग्स चल रही होती हैं बदी, तो वो यानी अगर डोमेस्टिक सीजन वहाँ चल रहा होता है तो फिर किसी और किस्म की क्रिकेट की उनको इजाजत नहीं मिलती कि किसी दूसरे मुल्क में जाके, हमारे यहाँ तो ये है ना कि हमने पहले कहा कि हम खिलाड़ियों को लीग किसी भी लीग में खेलने की इजाजत नहीं देंगे, जब हमारा यहाँ पर कायद अजम ट्रॉफी हो रही होगी या हमारा नेशनल कप चल रहा होगा, लेकिन उसी दौरान हमने देखा कि लड़के बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी में गए, लड़के हमारे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेलने गए, कैनेडियन लीग भी खेलने गए, तो कहने का मकसद अफगान लीग भी खेली थी, भी गए थे वहाँ पर कुछ ऐसे मसले हुए वापस भी आ गए, तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप अगर जाते हैं बोर्ड से ज़्यादा आपको एक दो लीग ही देते हैं, मैं तो ख्याल मेरे ख्याल में जब आपका डोमेस्टिक सीजन हो तो आप किसी को इजाजत ना दें, बोले भाई यहाँ आप परफॉर्म करेंगे, यहाँ आपने चार रोज़ा मैच में रन्स किए, यहाँ आपने वनडे में रन्स किए तो आप खेलेंगे, वरना आपको PSL की बुनियाद पर किसी भी T20 में भले आप PSL से क्राइटेरिया बना लें कि भाई T20 में हमने PSL से खिलाने, लेकिन वनडे और टेस्ट में आप डोमेस्टिक को दें, बिल्कुल, क्योंकि अभी फिलहाल फॉर्मेट तो यही चल रहा है ना, वर्ल्ड कप इसी फॉर्मेट में होता है, अब इंडिया की टीम में और बांग्लादेशी टीम में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग से पिक किया हो या बांग्लादेश लीग से पिक किया हो, भाई उनके पास इतना पीछे वो पड़ा हुआ है कि हर कोई चाहता है और आता है रन, अब देखिए शिखर धवन को रोजाना तैयार कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से फिट हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले, लेकिन राहुल आया उसने उसकी कमी महसूस नहीं हुई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, मुझे ये सवाल बड़े दिनों से तंग कर रहा है, जो ये रोहित शर्मा है ये क्या वो चेतन शर्मा के बेटे बेटे तो नहीं है जिनको मियां दाद ने छक्का मारा था? नहीं कोई रिश्तेदारी बेटे नहीं है, रिश्तेदारी वगैरह है इनकी। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि आप उनकी उनके खेल देखिए, आप खेल बेहतरीन खेल रहे हैं भाई, 3 डबल सेंचुरी बना चुके हैं, अब उस दिन भी मेरे ख्याल में 200 हो जाते हैं, लेकिन अच्छा 140 बनाने के बाद उस बंदे का गुस्सा आप देखें कि कितना अपने आप को नदामत के साथ जा रहा है, बंदा नीचे मारे गया मैंने क्या कर दिया, 40 पे आउट हो गया, तो यहां 10 रन पे भी आउट होते, 0 भी आउट आते हैं, तो बिल्कुल और जाती भी गेंद को ऐसे देखते हैं कि हो ये क्या हो गया, ये तो मैं छक्का लगाने लगा था। चलें जी, बहुत शुक्रिया बदी, टाइम गुजर गया बड़ा अच्छा रहा, हमने काफी गुफ्तगू की, नाज़रीन आपने दिलचस्पी ली, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।